बर्गर पूछा तो इधर बोले 350 रुपीज बर्गर, तो उसको बोला तुम बर्गर किंग चलो, तो चार बर्गर लेके गए, ठीक है 350 में। इधर ऐसा ही कमाने के लिए है, लुटने के लिए है बम्बई को। Guys, welcome back to the vlog. This is Kostubi और आज है बहुत ही ज़्यादा special day क्योंकि है मेरा birthday आज. So as being a cricket lover, मेरे friend ने एक मुझे surprise दिया. उसने बोला चल मेरे पास एक extra ticket है, मैं तुझे लेके जाता हूँ World Cup की match दिखाने. So मैं पहले थोड़ा बहुत excited हो गया कि India का match होगा, पर नहीं, India का match नहीं है, Australia और Afghanistan का match है. It's already 1 और हम बहुत late हो चुके हैं क्योंकि being in South Bombay कैसे होता है, कहाँ पे भी आप रहो, आप मैच देखने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा, ऊपर से आपको पार्किंग नहीं मिलेगी तो उसका भी इश्यू है और वो अब तक आया नहीं है. तो लेट्स सी कैसे क्या होता है. पर ये व्लॉग बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है क्योंकि मैं अकेले नहीं होने वाला, वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होने वाला है और वो वाइब्स ही अलग होते हैं. तो स्टे ट्यून पूरा व्लॉग देखना और व्लॉग पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. चलो मिलते हैं. हम लोग को लेट हो गया पहुंचते पहुंचते क्योंकि हम लोग को पार्किंग ही नहीं मिल रही थी. अभी उनका जनगण मिस हो गया रहेगा ना अंकल. अरे पार्किंग नहीं मिल रहा है, वही तो वही पार्किंग का इशू है. अभी मैच देखने आ रहे हो? चलो चलो. अरे क्या चले भी गाड़ी पार्किंग, अरे पार्किंग नहीं हुआ, अरे वो मिस हो जाएगा उनका जनगण. अरे ज्यादा मिस. चलो चलिए, हमारी बाइक पार्क हुई है चर्चगेट स्टेशन को और हमारा जो गेट है वो ऑलमोस्ट मरीन लाइंस पे है, मतलब सोचो कितना दूर है. और अभी हम लोग चल रहे और हमें मैच देखने का इतना शौक चढ़ गया है क्या पूछो मैं, जैसे कि हमारा इंडिया का ही मैच है बट है नहीं इंडिया का मैच. सो अभी भाग रहे पर गेट के आ नहीं रहे. अंदर आके बैठ चुके और मेरा ये फर्स्ट टाइम है वर्ल्ड कप में मैच और इतना एक्साइटमेंट फील हो रहा है क्या पूछो मैं, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या व्लॉग करूँ क्या नहीं. पता लग रहा है मैच देखते रहो. मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ ये मेरा फ्रेंड है और इसके वजह से ही मुझे टिकट मिली है. सो एक बर्थडे गिफ्ट उसने मुझे दिया, ये मैच देखने के लिए लाया मुझे. और अभी अभी तो थोड़ा चल रहा है मैच बट जब लास्ट के ओवर आएंगे एक बार तो और ज़्यादा मज़ा आएगा. वहाँ पे पूरा अफगानिस्तान का फैन भी, तो उनसे भी हम इंटरेक्ट करेंगे कि कैसे उन्हें फील हो रहा है इंडिया आके. तो स्टे ट्यून और पूरी वीडियो देखना और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना टू माई चैनल, लाइक है और लाइक भी. बर्गर पूछा तो इधर बोले 350 रुपीज बर्गर, तो उसको बोला तुम बर्गर किंग चलो, तो चार बर्गर लेके गए, ठीक है 350 में. इधर ऐसा ही कमाने के लिए है, लुटने के लिए है बम्बई को. एकदम प्योर हिंदी, प्योर हिंदी बोलता है मेरा दोस्त, एकदम प्योर हिंदी. अभी लगी है भूख पर, हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है खाने को क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. अभी देखते हैं क्या खा सकते हैं क्योंकि हम लोग ने समोसा पूछा तो उसने बोला 150 रुपीज के दो, तो अभी वही लेने पड़ेंगे और कुछ नहीं.
अभी और मैच अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है यार, बहुत स्लो खेल रहे, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा फास्ट खेलना चाहिए ना। डेविड वार्नर ने तो अलग ही माहौल बनाया है, आपको क्लिप में बताऊंगा कैसे कैसे वो क्या मस्त डांस करता है, बहुत जॉली बनता है। चलो अभी कुछ खा के आपको सर, कुछ तो मिल गया, मैगी मिल गया, 50 में मैगी मिल गया, सबसे बेस्ट, समोसा नहीं, बर्गर नहीं, हम लोग का मैगी MRP प्राइस में मिली, बर्गर वगैरह पैसा नहीं नहीं, पर ये उसने बोला 4 मिनट बाद खोलने को, और इसे सबर नहीं हो रहा है, 4 मिनट नहीं मालूम है कि 4 मिनट में मैगी गायब होएगा कि अंदर रहेगा। तो चलो अभी थोड़ा बैठ के आराम से करते, 4 मिनट बाद आ गया। कैसा है मैगी? बस ना ही गेला पाहिजे तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा था, पर लास्ट में जो राशिद खान ने एंटरटेनमेंट दिया है ना बॉस, क्या पूछो मत, मतलब हम लोग फोन की बैटरी खत्म होने आ गई है रिकॉर्ड भाई ने जो खेला है, ओह पूरा क्राउड पूरा ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था, पर जैसे उसका 100 हुआ और राशिद खान बैटिंग पे आया, पूरा का पूरा स्टेडियम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, कौन जीतता है कौन नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आई थिंक क्वालिफाई हो चुकी है, अफगानिस्तान को थोड़ा सा चांस है, तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजा, अरे देखा इसको ना सिर्फ फोन पे चिल्लाने आता और कुछ, और जैसे जैसे अभी अंधेरा हो रहा है तो पूरा स्टेडियम भरने लगा, तो और मजा आएगा जब अफगानिस्तान विकेट लेना चालू करेगा, राजस्थान विकेट लेना चालू करेगा, चलो देखते क्या होता है। ने लास्ट के 2 ओवर में पूरा का पूरा पैसा वसूल कर दिया है, जितना भी टिकट का पैसा था, हमें लगा था 200 भी नहीं होगा, पर 295 का टारगेट है, अगर ऑस्ट्रेलिया खेलती है एक लालची होगा ना, जो पैसे देके टिकट खरीदता है और मैच देखने आता है, उसको क्या चाहिए होता है कि मैच ज़्यादा चले, वैसे हमारा भी वही चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी अच्छे से बैटिंग करें चेज करें, थोड़ी टफ मैच हो उसे थोड़ा टिकट का पैसा भी वसूल हो जाएगा, या फिर खाना भी बहुत महंगा तो उसका भी वसूल हो जाएगा। पर लास्ट के 2 ओवर राशिद खान ने जो खेले हैं, निचल स्टाफ को जो पटका है उसे, मजा आ गया, मजा आ गया, फुल बिग फैन हो गया मैं, बिग फैन। देखो इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये अभी ये पानी खरीद रहा है, पर पानी यहाँ पे फ्री है, पर नहीं इसको खरीद के ही पीना है। बस चालू हुई है और बस 2 ओवर में इतना ज्यादा ड्रामा चल रहा है, क्या पूछे तो कैच छूटी, विकेट गए, पता नहीं ये पूरी मैच कैसे होने वाली है, कैसे होने वाली है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। बहुत एक्साइटेड मैच को लेकर,
अच्छा टारगेट सेट किया हमने, देखना है कि ऑस्ट्रेलिया ये टारगेट चेज करती है। करने आया है क्योंकि कब से हम बैठे हैं, कुछ ना कुछ पी रहे, पानी या कोक वगैरह, थोड़ा शुशु करते हैं। ठीक है, कितने गंदे हो तुम लोग, तो आओगे भी मेरे साथ। क्लीन है यार, क्लीन है, वैसे वानखेड़े स्टेडियम क्लीन है। Thank you.